बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड एक जमाने में दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड ही बॉलीवुड को चलाता था और जिसे भी बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाना होता था उनकी पहली प्राथमिकता अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थी। पर्दे के पीछे से जिसका भी संपर्क अंडरवर्ल्ड से होता था उसके पास काम की कमी नहीं होती थी। ये वो जमाना था जब अंडरवर्ल्ड ही तय करता था कि कौन किस फिल्म में काम करेगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर डी कंपनी का कब्जा था। बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने के लिए कई हसीनाएं अंडरवर्ल्ड के कई डॉन की महबूबा भी बनी। इनमें से तो कईयों के आशिकी के चर्चे आज भी होते रहते हैं। इन हसीनाओं में मंदाकिनी, नगमा, ममता कुलकर्णी, सुरैया, मोनिका बेदी और पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनिता अयूब जैसी कई एक्ट्रेस हैं जिनका कनेक्शन सीधे अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जाता रहा है। इस वीडियो में आज हम इन्हीं हसीनाओं में से एक हसीना मोनिका बेदी की अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि पंजाब के एक छोटे से शहर की लड़की कैसे हीरोइन बनी, फिल्मों में काम पाने के लिए कैसे अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया, अंडरवर्ल्ड के किस डॉन के साथ मोनिका बेदी का अफेयर चला, मोनिका बेदी का प्यार नफरत में कैसे तब्दील हो गया और फिर देखते ही देखते ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कैसे बन गई। ये तमाम जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनिका बेदी का जन्म साल 1975 में पंजाब के होशियारपुर के करीब एक गांव में हुआ था। साल 1976 में मोनिका बेदी का परिवार पलायन करके नॉर्वे चला गया और वहां उनके पिता ने गारमेंट बिजनेस शुरू किया। तब मोनिका बेदी महज 10 महीने की थी। कहा जाता है कि साल 1992 में मोनिका बेदी जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तब उनकी मुलाकात बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मनोज कुमार से हुई थी। मोनिका बेदी नॉर्वे से जब भारत आई तो उन्होंने दिल्ली में मॉडलिंग शुरू कर दिया, लेकिन दिल्ली में उन्हें कुछ खास काम नहीं मिला तो वो मुंबई चली गई। मुंबई पहुंचने के बाद मोनिका काम ढूंढने लगी। उनका सपना बॉलीवुड में एक मशहूर एक्ट्रेस बनने का था। काम ढूंढने के दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल से हुई। मुकेश दुग्गल ही वो शख्स था जिससे मोनिका बेदी बहुत नफरत करती थी। हालांकि ये सब बाद में हुआ और इसकी एक लंबी कहानी है, और ये सब जानने के लिए पहले आपको मुकेश दुग्गल के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए आपको पहले उसके बारे में भी बता देते हैं। मुकेश दुग्गल अमृतसर का रहने वाला था और आपको पता है कि अमृतसर पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। एक जमाने में वहां से सोने चांदी की तस्करी खूब हुआ करती थी और कहा जाता है कि मुकेश दुग्गल कपड़ों की तस्करी किया करता था। पंजाब में ही मुकेश की पहचान फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से हो गई। उसके बाद पंजाब में ही मुकेश ने डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ मिलकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के काम में हाथ आजमाया। इसके बाद मुकेश दुग्गल का अब अगला पड़ाव मुंबई था। अब वो मुंबई में आकर फिल्म बनाना चाहता था और किया भी ऐसा ही। पंजाब से ही मुकेश ने अपने नेटवर्क को मजबूत कर लिया था और फिर मुंबई आकर संघर्ष करने के बाद आखिरकार उसने पहली फिल्म बना डाली और फिल्म का नाम था फतेह, जिसमें संजय दत्त हीरो थे। हालांकि ये फिल्म कुछ खास चली नहीं। इसके बाद 90 के दशक में मुकेश ने बतौर प्रोड्यूसर कई फिल्में बनाई। इन फिल्मों में गोपी किशन, प्लेटफॉर्म, दिल का क्या कसूर, खिलौना और सुरक्षा जैसी चर्चित फिल्में शामिल हैं। मुकेश दुग्गल ने महज कुछ ही समय में बेहद चालाकी से सरकारी सिस्टम से लेकर अपराध जगत तक में अपना संपर्क स्थापित कर लिया था।
उसके संपर्क डी कंपनी से भी हो गए थे और ये बात पूरी इंडस्ट्री में फैल चुकी थी। लेकिन 1993 बम ब्लास्ट के बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच दुश्मनी हुई तो फिर कहानी में एक अलग मोड़ आया। दरअसल मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट के बाद मुकेश दुग्गल ने दाऊद इब्राहिम को छोड़कर छोटा राजन के पाले में चला गया और उन्हीं दिनों उसने फिल्म साथी भी बनाई थी और इस फिल्म के कई गाने सुपरहिट भी हुए थे। इसी दौरान मुकेश दुग्गल की मुलाकात मोनिका बेदी से हुई थी और मोनिका बेदी ने भी जल्दी सुपरस्टार बनने के लिए मुकेश दुग्गल को डेट करना शुरू कर दिया था। उसे ऐसा लगा कि अब मुकेश के संपर्क से उसे बॉलीवुड में काम मिलना आसान हो जाएगा। वहीं मुकेश ने मोनिका को फिल्मों में काम भी दिया। हालांकि मुकेश पहले से शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, लेकिन इसके बावजूद वो मोनिका के साथ लिव इन में रहने लगा। वैसे बॉलीवुड का एक और काला सच है, कई मामले ऐसे आए हैं जब किसी न्यू कमर एक्ट्रेस को ब्रेक मिलने से पहले उन्हें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर या फिर किसी नेता के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इस बारे में भले ही खुलकर बात नहीं होती है, लेकिन चमचमाती बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक काली सच्चाई भी है। कहा जाता है कि मुकेश दुग्गल ने भी मोनिका बेदी के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया था। वो खुद तो लिव इन में रहता था, लेकिन मोनिका बेदी को भी फिल्मों के फाइनेंसर्स के पास भेजने लगा। उसने अपने फिल्मों को फ्लोर पर लाने के लिए मोनिका बेदी को एक हथियार के तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो मोनिका को ऐसा करने के लिए मजबूर करने लगा और मोनिका इससे परेशान होने लगी। मुकेश उसकी मदद कम और उसका इस्तेमाल ज्यादा करने लगा। मोनिका अब किसी भी तरह से मुकेश दुग्गल से पीछा छुड़ाना चाहती थी। तभी एक दिन उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी अबू सलेम से हो गई और फिर सब कुछ बदल गया। अबू सलेम डी कंपनी के लिए काम करता था। ये उन दिनों की बात है, तब गुलशन कुमार का मर्डर नहीं हुआ था। कहा जाता है कि मोनिका बेदी की पहली बार अबू सलेम से फोन पर बात हुई थी और उनमें दोस्ती हो गई थी। मोनिका बेदी ने इस बारे में जिक्र करते हुए एक बार बताया था, अबू सलेम से जब मेरी बात हुई तो वो सिर्फ यस और नो बोलकर ही काम चला रहा था, क्योंकि उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज मुझे काफी अच्छी लगी थी और उसकी वही अदा मुझे पसंद आ गई थी। इसके बाद मोनिका बेदी दुबई गई और वहां उसकी मुलाकात अबू सलेम से हुई और वहीं से उनकी करीबियां और ज्यादा बढ़ गईं और दोनों में प्यार हो गया। उसके बाद मोनिका बेदी ने मुकेश दुग्गल के अत्याचारों के बारे में अबू सलेम से बताया, वो किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब चूंकि अबू सलेम मोनिका के प्यार में पागल था, ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। इधर मुकेश इन दिनों एक पंजाबी फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसका प्लान धरा का धरा ही रह गया। 7 मार्च 1998 में वर्सोवा के साथ बंगलो इलाके के समीर अपार्टमेंट में मौजूद उसी के ऑफिस में 3 शूटरों ने गोली मारकर मुकेश दुग्गल की हत्या कर दी। सारा बॉलीवुड और पुलिस डिपार्टमेंट जानता था कि ये मर्डर मोनिका की शिकायत पर अबू सलेम ने ही कराया था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में कहीं भी मोनिका का नाम सामने नहीं आया। बाद में उन 3 शूटरों की पहचान मुन्ना जोगी उर्फ मुन्ना झिंगड़ा, कालिया सादिक और सलीम चिकना के रूप में की गई। ये तीनों ही डी कंपनी के शार्प शूटर थे। खैर, अबू सलेम के संपर्क में आने के बाद मोनिका बेदी को कई सारी फिल्मों में काम मिलने लगे। वहीं अब दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया। अबू सलेम के मुताबिक उसकी शादी मोनिका बेदी से साल 2000 में लॉस एंजलिस में हुई थी। हालांकि यहां आपको बता दें कि अबू सलेम पहले से ही शादीशुदा था। वहीं कहा यह भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम के बीच गुलशन कुमार की हत्या के बाद तल्खियां बढ़ गई थी, क्योंकि अबू सलेम ने दाऊद को बिना बताए इस हत्या को अंजाम दिया था, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम बहुत नाराज हुआ। कहा तो ये भी जाता है कि दाऊद से अलग हटकर अबू सलेम ने अपना गैंग बना लिया था, जिसके बाद दाऊद ने अबू सलेम पर हमला भी करवाया था। फिर बाद में अबू सलेम मोनिका बेदी को लेकर भाग गया और कुछ सालों तक अमेरिका और यूरोप के देशों में घूमता रहा। इसके बाद दोनों ने ही पुर्तगाल में फर्जी दस्तावेज के तहत वहां की नागरिकता लेकर रहने लगे। लेकिन 20 सितंबर 2002 में मोनिका बेदी और अबू सलेम को गिरफ्तार कर लिया गया। सलेम ने भारत सरकार को वहां के कोर्ट में चुनौती दी,
वहां 3 साल तक केस चला और आखिरकार पुर्तगाल से भारत की प्रत्यार्पण संधि के तहत 11 नवंबर 2005 में भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया गया। जब बाद में यहां केस चलना शुरू हुआ तो मोनिका ने अपने साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा कि अबू सलेम के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, उसने अबू सलेम से कोई शादी नहीं की और अबू सलेम पहले से ही शादीशुदा था, ये बात उसने नहीं बताई थी। वो अपनी पहचान छुपाकर मिला था और उसे बहुत बाद में पता चला कि वो एक माफिया है। उधर अबू सलेम ने अपने बयान में दावा कर दिया कि मनीषा कोइराला ने मुकेश दुग्गल की सुपारी दी थी, हालांकि बाद में उसका दावा गलत साबित हुआ। खैर, मोनिका को नकली कागजात के साथ पुर्तगाल में रहने के जुर्म में 3 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया और 3 साल के बाद मोनिका बेदी रिहा हो गई। तो ये थी बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी और अबू सलेम के बीच की प्रेम कहानी। इसका अंजाम क्या हुआ अब आपको बताने की जरूरत नहीं है।